हेलो हेलो, आपको फोन आया था। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर मैं सत्यवान बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। हाँ जी हाँ जी। आप सर मैंने जो आपने बताई थी वो किया है, तो मैं हूँ फिलहाल 70% ठीक हूँ। हाँ जी। 70% ठीक हूँ सर मैं फिलहाल। अच्छा, पूरा ठीक नहीं हो रहा। पूरा ठीक नहीं हो रहा सर। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो ठीक होना है रुक गया है या धीरे धीरे और हो रहा है? वो धीरे धीरे मतलब वो ब्लीडिंग वगैरह और म्यूकस वगैरह वो तो सब बंद हो गई, बस वो काफी ये होता है कि एक तो दर्द रहता है हड़का हड़का पेट में, और सर सुबह 3-4 बार जाना पड़ता है लेटरिन के लिए, पेट जब साफ होता है। आपके उम्र कितनी है? थर्टी मेरी उम्र है जी 35 साल। हाँ फाइव जी हाँ आप मैरिड हो? जी हाँ मैरिड। अच्छा, मैं एक नया चीज ट्राई कर रहा हूँ, आपको अकवर्ड लगेगा। आपका जो सेक्स का एवरेज है वो कितना है महीने मतलब जी अच्छा में? आपका जो सेक्स का एवरेज है अच्छा वो महीने में कितनी बार करते हैं? सर अब तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा 10 बार, तो बीमार हो गया अच्छा, था ना। हाँ जी 10 बार भी है या उससे भी कम है? 10 बार ही लगा लो बस। तो आप अपना सेक्सुअल हेल्थ को आज के कंपैरिजन में और आज से 10 साल के कंपैरिजन में कितना फर्क समझते हैं कि पहले से कितना खराब या ठीक हुआ है? सर पहले से उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। आपका एवरेज टाइम कितना होता है सेक्स के टाइम पर? सर अब तो क्या है सर, अब तो बिल्कुल ही 2 मिनट है, 2 मिनट ही लगा लो। हाँ ओके, देखिए जी इसमें ना कुछ कनेक्शन लगता है पेट का इससे भी, अच्छा जी और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्राई करना चाहो तो मास्टरबेट करना ट्राई कर सकते हो। क्या रेगुलर चीज़ सेक्स, जी मास्टरबेट करना, समझा नहीं सर। ये मास्टरबेट करना, मास्टरबेट का मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब अपने आप से करना, हाथ से करना। अच्छा उसमें ग्रिप बिल्कुल हल्का रखो और उसके बाद उसको टाइम देखो कितना लगता है, ग्रिप को टाइट नहीं करना बिल्कुल, और आराम से टाइम लेकर उसको 1 हफ्ते तक रोज करो एक बारी। अच्छा जी अच्छा उससे दो चीजें देखो कि आपका एक तो टाइम कितना पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। उसको भी अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं तो उसको भी स्लो डाउन करो, जल्दी जल्दी मत करो, और उसको पूरा टाइम दो, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये करके देखो इससे आपके पेट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। अच्छा सर आप का जैसे भी जिसको बोलते हैं, सबसे पहले किस एज में आपका ये सेक्स एक्टिविटी शुरू हुई थी? अल्सरेटिव कोलाइटिस की नहीं, ये सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब जब आपने हाथ से या वैसे करना शुरू किया किसी भी तरीके से, किस आते तो मैंने नहीं किया, कभी कभी नहीं किया? नहीं। और पेट से, पेट की समस्या आपको कब से है? ये सर फरवरी 2019 नहीं, उससे पहले एकदम परफेक्ट था या थोड़ा बहुत सर, था? बिल्कुल परफेक्ट था सर मैं बिल्कुल। उससे पहले जो अभी आप 2 मिनट का बता रहे हैं उससे पहले क्या टाइम था? पहले तो सर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे होता था, आधा घंटा। अच्छा, अभी आपको कोई डिफरेंस जब से आपने इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट करना शुरू किया उसमें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ? हाँ जी सर जब से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना शुरू किया है आपने और वॉक एंड रेस्ट शुरू किया है तब से कोई फर्क नहीं महसूस हुआ उसमें? सर है वो हल्का हल्का तो है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। हाँ पर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट को पूरा कर रहे हो जिस तरीके से लिख के दिया है, वो मैं बिल्कुल पूरा कर रहा हूँ प्रॉपरली, प्रॉपरली कर रहे हैं? वो 2 मील्स वाला था सर। नहीं, 2 मील्स और 3 मील्स दोनों था ना, मिक्स करके करना था हाँ तो दोनों है ना, कभी 2 मील्स कभी 3 मील्स? दोनों दोनों करके
कभी जैसे 15 दिन वो कर लेता हूँ, फिर 15 दिन वो, हाँ जी 15 दिन 2 मील्स कर लेता हूँ, फिर 15 दिन नहीं, ऐसे मत करो आप, 15 दिन नहीं करना, एक या 2 दिन करना है 2 मील्स, मैं आपको दोबारा से भेज देता हूँ व्हाट्सएप उसको, आप उस तरीके से चलो ठीक है, फिर 1 हफ्ते के बाद एक बार बताओ, और बीच में कोशिश करो डेली करने का हाथ से ही, और कोशिश करो कि वो 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक चले, और जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से करिए और फिर देखिए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये मैं कह रहा था कि वो मैंने मेरी सिस्टर थी मंजू कनीना से, उसको प्रॉब्लम थी वो एलर्जी की, लाल दाने जो आप डालते हो ना, लाल दाने वाले एक को, हाँ तो वो बिल्कुल सही हो गई है। और एक मेरे जीजाजी थे उसको शुगर थी, उसकी बिकाती है, तो सर मेरी शुगर थी उसको, हाँ फिर वो बिसरा बिलाल ठीक है, अच्छा यही कर रहा है। तो सर मैंने तो बहुत आपकी वो बताया है सर, ऐसे ऐसे मैं ही नंबर देता हूँ लगभग इधर हरियाणा लगभग ये, अच्छा अच्छा। तो सर मेरी मम्मी है तो 10 दिन से उसके जो है ना पैर है ना, एक साइड का पैर है उसमें दर्द होता है काफी, तो उसके लिए बताओ कुछ। सेम चीज है, सेम है। डॉक्टर के पास गया था, वो कह रहा था नस ब्लॉक बता रहा है। सी, नस भी इसी तरीके से खुलती है, कोई भी नस हो, आप जैसे हार्ट की बीमारी होती है किसी को, अच्छा तो हार्ट की बीमारी में बोलते हैं जी खून गाढ़ा हो गया, तो ब्लड थिनर देते हैं, दवाई जो देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए देते हैं, अगर कोई आदमी वो दवाई 20 साल भी खाता है तो भी उसका खून पतला नहीं होता, उसको हमेशा खानी पड़ती है। और दूसरा मेडिकल साइंस बोलता है ज्यादा पानी पियो तो खून पतला होगा, जबकि जितना ज्यादा पानी पियोगे खून उतना मोटा होगा। आपका नस ब्लॉक हो गई उसका भी कारण होता है कि आप कहीं ना कहीं पानी का जो बॉडी में सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो रहा है, तो वो खून गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होगा तो आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाएगी, कुछ वेन्स में पहुंचेगा नहीं और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। तो उसके दो तरीके, नस कौन सी कहां की बताया कि ब्लॉक हो गई, ये कमर से लेके और जो नीचे ना अपनी एड्डी बोलते हैं। अच्छा, तो ये लात के पीछे होती है दर्द, मतलब जो घुटना होता है घुटने के पीछे, मतलब बैक साइड पर दर्द है ना, जस्ट कमर से और पैर तक पूरे में दर्द बताती है, पैर झण झण की होती है वो। कितनी उम्र है? मम्मी की होगी लगभग 60 साल। ठीक है, मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वीडियो भेजूंगा, आप उस एक्सरसाइज को करवाइए, और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट तो ऐसे ही चालू कराइए जैसे आप कर रहे हैं, मैं उसका भी आपको फ्रेश भेज देता हूँ। और उनका एक ही ध्यान रखना है कि उस एक्सरसाइज से फायदा एकदम से हो जाता है, अच्छा, पर उस एक्सरसाइज को ज्यादा नहीं करना, मतलब जब भी करना है 5-10 सेकंड के लिए करना है एक बारी में, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, ठीक, क्योंकि वो नसें जो ब्लॉक्ड है ना वो टाइट भी होती है, तो ज्यादा जोर डालोगे तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो 5-7 दिन फिर दर्द होगी ज्यादा। अच्छा जी, तो उसको हल्के हल्के करना है, बहुत हल्के करना है, और उसमें आराम मिल जाता है हल्के से ही। और अगर बढ़ाना भी हो ना, जैसे उसमें दीवार से कितना डिस्टेंस रखना है, तो वो डिस्टेंस कम ही रखे, कम से कम रखे शुरू में, और फिर जैसे जैसे, मतलब एक ही दिन में उसको बढ़ा नहीं दे, ये नहीं कि एक ही दिन में उसको आधा फुट बढ़ा दे पीछे कर दे, तो उसमें दीवार के साथ खड़े होकर एक एक्सरसाइज करनी होती है सिंपल सी, तो उसका वीडियो भेजता हूँ और वो कराइए। पर एक बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ज्यादा मत कराइएगा, क्योंकि 60 साल की उम्र है, उसमें नसें वसे बड़ी अकड़ जाती है। ठीक है सर, तो छोटी छोटी नसें होती हैं, वो एक आधी भी नस अगर थोड़ी सी ब्रेक हुई तो ब्लीडिंग होगी, तो थोड़ा सा दर्द और बढ़ जाएगी फिर, तो बहुत हल्के हल्के कराना, और बाकी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और ये सब तो चालू कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ वो भी देख लो। ठीक है सर, ठीक है।